Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current affairs MCQ session of 22nd October, हम कल के home assignment को पहले discuss करेंगे. आपका कल का question था, who launches Wetland of India portal? किसने launch किया है Wetland of India portal को? आपका option है, option A, G. Kishan Reddy, option B, Dr. Mahendra Nath Pandey, option C, Bhupendra Yadav, option D, none of these. इसका correct answer है, option C, Bhupendra Yadav. जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को संभाल रहे भूपेंद्र यादव, उन्होंने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल को वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल. इसका ऑब्जेक्टिव है इस पोर्टल का कि एक सिंगल पॉइंट एक्सेस होगा जो कि सारे इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होगा वेटलैंड से प्रोवाइड करेगा. ये जो पोर्टल है ये एक डायनेमिक सिस्टम है प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को और अवेलेबल कराने के लिए इसको स्टेक होल्डर को एक इफिशियंट और एक्सेसिबल मैनर पे. ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया गया है टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट जो है वेटलैंड मैनेजमेंट फॉर बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन वेटलैंड प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत पार्टनरशिप में ड्यूसेज जैसे फिट फॉर इंटरनेशनल ग्लोमेरबिट के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है. अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके यूनियन मिस्टर भूपेंद्र यादव है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे, जी किशन रेड्डी जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को संभाल रहा है. नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 22nd October. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च जेजेएम मोबाइल ऐप एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष? किसने लॉन्च किया है जेजेएम मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजकुमार सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनसुख एल मांडविया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी. जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया जल जीवन मिशन को. मोबाइल एप्लीकेशन है ये क्रिएट करेगा अवेयरनेस को जो मिशन है उसके लिए और इम्प्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्कीम के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत. पीएम ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय जल जीवन कोष को भी जो कि फैसिलिटेट करेगा किसी भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेशन और फिलेंट्रोपिस को वो इंडिया में हो या अब्रॉड में कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए टैप वाटर कनेक्शन को. ये जो जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप है ये कंटेन करेगा इन्फॉर्मेशन को जल जीवन मिशन के बारे में जैसे कि कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड है जिसको कि वाटर क्वालिटी या वाटर के लिए ट्रीट किया जा चुका है. अगस्त 2021 में 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार रूपीज 1.42 लाख करोड़ को एलोकेट किया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ताकि वो काम कर सके वाटर और सैनिटेशन के फील्ड पे 2022 से 2026 तक के टेन्यूर के लिए. अभी तक 5 करोड़ हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर दिया गया है टैप वाटर कनेक्टिविटी को. अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रहलाद पटेल और विश्वेश्वर टुडू, राजकुमार सिंह जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं मनसुख एल मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु बिकेम द कॉइन डीसीएक्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर? कौन बन गया है कॉइन डीसीएक्स के पहले ब्रांड एम्बेसडर? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी रविंदर जडेजा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन. तो इंडिया का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन डीसीएक्स है. इसने अपॉइंट किया है मिस्टर अमिताभ बच्चन को इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे ताकि इंक्रीज किया जा सके क्रिप्टो के अवेयरनेस को और क्रिप्टो के एक इमर्जिंग एसेट के तौर पे सबको सामने बताया जा सके. अमिताभ जो है वो क्रिप्टो इन्वेस्टर खुद भी है और उन्होंने लॉन्च किया खुद का एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन को अभी हाल ही में. कॉइन डीसीएक्स जो है वो बिलीव किया जा रहा है कि ये कोलैबोरेशन जो है मदद करेगा गेन करने में क्रेडिबिलिटी को न्यू यूजर्स के लिए. कॉइन डीसीएक्स रिसेंटली जो है वो इंडिया का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया जब उसने रेस किया 90 बिलियन डॉलर को इसके सीरीज सी फंडिंग राउंड के दौरान जिसमें मदद फेसबुक को फाउंडर इडाल्डो सेवरिन बी ने भी किया है. ये जो कैपिटल ग्रुप और अदर इन्वेस्टर इन सबका इसमें योगदान था. कॉइन डीसीएक्स ने अभी हाल ही में लॉन्च किया एक अवेयरनेस कैंपेन को जो कि आपका हैप्पी डे रिवार्ड कैंपेन है. कॉइन डीसीएक्स का एस्टेब्लिशमेंट 2018 में किया गया था. इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर जो है वो सुमित गुप्ता है. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है. अक्षय कुमार जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर है. रविंद्र जडेजा जो है ये जापानीज स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ASICS जो है उन्होंने अपॉइंट किया है रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर जो है इंडियन क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग के इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु विन 2021 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? किसने जीता है 2021 का नोबेल प्राइज मेडिसिन में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्डेम पटापोलिथन, ऑप्शन बी डेविड जूलियस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइडर एंड नॉन बी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी.
तो अमेरिकन साइंटिस्ट है डेविड जूलियस और लेबेनिस अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट जो है आलरेम पेटर पोथियन, इन दोनों ने जीता है 2021 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में उनके डिस्कवरी के लिए रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए। तो ये कहाँ का ओरिजिन है, किसने जीता, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम इनके बारे में जान लें। तो जो डेविड जूलियस है, डेविड जूलियस ये एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। उनको जाना जाता है उनके वर्क के लिए मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ पेन सेंसेशन और हीट के लिए। उनको 2010 में शॉ प्राइज भी मिला था लाइफ साइंस एंड मेडिसिन के लिए और 2020 में ब्रेकथ्रू प्राइज मिला था लाइफ साइंस के फील्ड पे। आलरेम पेटापोसन जो है, तो आलरेम पेटापोसन एक लेबनीज अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट है और न्यूरो साइंटिस्ट है अमेरिकन डिसेंट के, स्क्रिप्ट रिसर्चर एंड लार्ज जोना कैलिफोर्निया पे। ये जो नोबेल प्राइज है, तो नोबेल प्राइज दिया जाता है रेसिपेंट को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो होता है ह्यूमन काइंड का, किस किस एरिया पे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, ये पांच कैटेगरी हो गया। सेल्फ परफेक्ट नोबेल के विल के अनुसार 1895 किस कैटेगरी में दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक कैन इंडियन नेवी लॉन्च नेव ई कैश कार्ड। किस बैंक और इंडियन नेवी ने मिलकर लॉन्च किया है नेव ई कैश कार्ड को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी एक्सिस, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए SBI। इंडियन नेवी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने मिलकर लॉन्च किया है SBI नेव ई कैश कार्ड को, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य के लिए होगा। CH सेठी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है रिटेल एंड डिजिटल बैंकिंग के SBI के, और जो वाइस एडमिरल है R हरि कुमार, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस लॉन्च के दौरान। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेवल शिप का वो इनिबिट करता है ट्रेडिशनल पेमेंट सॉल्यूशन का, क्योंकि वहां पर कोई कनेक्शन नहीं होता हाई सी पे, इसलिए जो नेव ई कैश होगा उसमें जुअल चिप टेक्नोलॉजी होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन को। ये ओवरकम करेगा जो डिफिकल्टी फेस किया जाता है नेवी पर्सनल के द्वारा जब वो ऑनबोर्ड होते हैं, हैंडल करता है फिजिकल केस को डिप्लॉयमेंट के दौरान शिप को हाई सी पे। SBI ने प्लान किया है को इंट्रोड्यूस करेंगे सेम कार्ड को अदर लेवल शिप के लिए भी और वेरियस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, ताकि वो क्रिएट कर सके एक सिक्योर, कन्वीनियंट और सस्टेनेबल पेमेंट इको सिस्टम को। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1955 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरा है। एक्सिस बैंक का CEO अमिताभ चौधरी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ICICI बैंक का CEO संदीप बख्शी है, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड फिनटेक फेस्टिवल GFF 2021। किस कंट्री ने होस्ट किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल GFF 2021 को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया है जो सेकंड एडिशन था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल GFF 2021 का। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल है, इसका थीम है फिनटेक एम्पावरिंग अ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। GFF 2021 जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर, साथ साथ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इसमें योगदान है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है संभाल रही है निर्मला सीतारमन, वो चीफ गेस्ट इस इवेंट के दौरान। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2008 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके MD CEO दिलीप आसबे है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर जो है फ्यूमो किशिदा है, करेंसी जापानीज येन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक, कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, करेंसी यूरो और CFP फ्रैंक। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एलीबॉग व्हाइट ऑनियन वाडा कोलम राइस और फिश स्टेट रिसीव GI टैग। जो आपका एलीबॉग व्हाइट ऑनियन है और वाडा कोलम राइस है, ये किस स्टेट का है जिसको कि भी GI टैग दिया गया है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो एलीबॉग व्हाइट ऑनियन और वडा कोलम राइस है महाराष्ट्र का, इडायूर चिल्ली और कुतियाउटर मैंगो है केरला का, और जो चिनोर राइस है मध्य प्रदेश का, इन सबको GI टैग दिया गया है। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस स्टेट का, ये काफी इम्पोर्टेंट है, एकदम मेमोराइज होना चाहिए। जो महाराष्ट्र का एलीबॉग व्हाइट ऑनियन और वडा कोलम राइस है, इसको GI टैग दिया गया है। फेमस व्हाइट ऑनियन एलाबॉग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र का GI टैग के लिए, ये प्रोवाइड करता है एक यूनिक आइडेंटिटी को इस क्रॉप के लिए और एक्सपेंशन को एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। ये जो वैरायटी है उसका मेडिसिनल क्वालिटी है, इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, हर डिजीज कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को भी इसको मदद किया जाता है, उपयोग किया जाता है क्रिएट करने में इंसुलिन को, जो कि बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसको मेंशन किया गया था ऑफिशियल गैजेट में 1883 के। ये एक यूनिक स्वीट टेस्ट और कोई भी टियर फैक्टर इसमें नहीं होता है।
जो एवरेज इनकम जनरेट होता है इस क्रॉप से वो अराउंड ₹2 लाख पर एकड़ होता है, यानी काफी ज्यादा इनकम भी जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एथ एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2021 हेल्ड इन विच कंट्री। जो एथ एक्सरसाइज है इंडिया श्रीलंका मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2021 का, ये किस कंट्री में हुआ है? तो कोई भी एक्सरसाइज किस कंट्री का है और कहां पे हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाए कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। कहां पे हुआ है? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। जो एथ एडिशन है इंडिया श्रीलंका बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2021 का, ये आपका कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंबारा श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका 12 डेज का एक्सरसाइज है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रमोट करना क्लोज रिलेशन को आर्मी जो है दोनों कंट्री के, और एनहेंस करना इंटर ऑपरेबिलिटी को, और शेयर करना बेस्ट प्रैक्टिसेस को काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए। सारे जो आर्म कंटिजेंट है 120 पर्सनल इंडियन आर्मी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मिलिट्री मित्र शक्ति एक्सरसाइज में, जो कि कंडक्ट किया जाता है हर एक साल आर्मीज के बीच में इंडिया और श्रीलंका के। जो एक्सरसाइज था 2020 का, ये कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं, तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धन पूरे कोटे है, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, करेंसी श्रीलंकन रूपी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट साइन ₹2,823 करोड़ डील विथ क्वेसिस ई मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट। किस स्टेट ने साइन किया है ₹2,823 करोड़ का डील क्वेसिस ई मोबिलिटी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट के लिए? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है MIDC, इसने साइन किया डील को जिसका वर्थ है ₹2,823 करोड़ कॉसिस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक जॉइंट वेंचर है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कॉसिस ग्रुप का, जो कि सेटअप करेगा जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तेलगांव नियर पुणे महाराष्ट्र में। ये जो मऊ है इसको साइन किया गया था प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री सुभाष देसाई और मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट आदित्य ठाकरे के। ये जो एग्रीमेंट है ये पहला बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोलैबोरेशन का? रिड्यूस करना एमिशन को और मदद करना क्लाइमेट एक्शन में काम करके। ये एम है इसका जनरेट करना 1,250 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। ये मदद करेगा महाराष्ट्र को लीड करे कंट्री को एडॉप्शन में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया पे। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे, तो MIDC ये स्टैंड करता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, फाउंड किया गया था 1962 पे। इसके CEO डॉक्टर पी अनबा लवन है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑथर द बुक टाइटल इकोनॉमिक गांधी द रूट्स एंड द रिलीवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। किसने ऑथर किया है बुक को जिसका टाइटल है इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट एंड द रिलीवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा? आपका ऑप्शन है जेरी राव, ऑप्शन बी अनुराधा रॉय, ऑप्शन सी विश्राम बेडेकर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेरी राव। जो बुक जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स गांधी द रूट एंड द रिलीवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, इसको पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। ये बताता है जो हिजन फ्रेशर है गांधी के पर्सनालिटी के बारे में, उनके थॉट के बारे में, इकोनॉमिक और कैपिटलिज्म को रोक के। इस बुक को ऑथर किया गया है रिटायर्ड एंटरप्रेन्योर जेरी राव, जिनको हम जैकिरिट राव के नाम से भी जानते हैं, अनुराधा रॉय जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है द अर्थ स्पिनर, विश्रम बेडेकर इनके द्वारा ऑथर किया बुक का टाइटल है बैटलफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम सबमरीन। किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है जिरकॉन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सबमरीन से? आपके ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी US, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रशिया। जो अभी डाटा रिलीज किया गया है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके अनुसार रशिया जो है उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया जिरकॉन, जिसको कि हम सिरकॉन के नाम से भी जानते हैं। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है सर्वोद्वेश न्यूक्लियर सबमरीन से, पहली बार इसको टेस्ट फायर किया गया। ये जो सबमरीन है उसने परफॉर्म किया 2 लॉन्चेस को सिरकॉन क्रूज मिसाइल का, और इसने हिट किया एक टारगेट को, मॉक टारगेट को बैरन सी पे। पहली बार ये जो टेस्ट फायर किया गया था जिरकॉन को वो सरफेस से किया गया था, जो लॉन्च किया गया था अनदर मिसाइल को वो सबमर्ज पोजिशन से किया गया था वाइस सी के। जिरकॉन जो है वो कैपेबल है फ्लाई करने के लिए 9 टाइम अधिक स्पीड से साउंड के, और इसका रेंज जो है वो 100 किलोमीटर तक का है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इक्विप किया इसको दोनों ही वारशिप और सबमरीन के लिए। जुलाई 2021 में रशिया ने टेस्ट फायर किया था जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को वाइट सी थे ग्राउंड टारगेट के खिलाफ, जो कि लोकेटेड था आपका बैरेंस सी पे। क्रूज मिसाइल होता क्या है? ये गाइडेड मिसाइल होता है जिसको कि यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल टारगेट के खिलाफ।
ये जो है एटमोस्फेयर में फ्लाई कर सकता है। मेजर पोर्शन जो इसका फ्लाइट पाथ का होता है वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड में होता है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, करेंसी जो आपका वो रशियन रूबल है। चाइना के कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, करेंसी रेनमिनबी। यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट जो बिडेन, करेंसी यूएस डॉलर। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। वर्ल्ड बैंक आर्म आईएफसी अपॉइंट हुम एज इंडिया कंट्री हेड। वर्ल्ड बैंक का जो आर्म है आईएफसी उसने अपॉइंट किया है किनको इंडिया के कंट्री के हेड के तौर पर। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेंडी वर्नर, ऑप्शन बी जून जैंग, ऑप्शन सी मख्तार दायोब, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।